नमस्कार, आप देख रहे हैं केकी न्यूज डेस्क बिहार। मैं हूं आपके साथ पूनम गुप्ता। खबर है पटना से, जहां गठबंधन के सभी घटक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती में चुनाव आयोग पर और वर्तमान एनडीए गठबंधन की सरकार पर धांधली करने का आरोप लगाया है। इस बाबत महागठबंधन से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि इस चुनाव में जनमत मेरे साथ थी, लेकिन नतीजा भाजपा जदयू की सरकार ने सरकारी मशीनरी को मिलाकर अपने पक्ष में कर लिया। महागठबंधन इस बात को लेकर एकजुट है और इस पर आंदोलन करेगी। उधर मनेर में टाटा कॉलोनी के पास NH-30 के किनारे नल जल योजना की सप्लाई पाइप फट जाने से पिछले कई दिनों से सड़कों पर पानी बदस्तूर बह रही है, बावजूद अब तक संबंधित विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उधर मोकामा थाना पुलिस द्वारा थाना चौक के पास संघनन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि दीपावली एवं छठ पूजा जैसे महान पर्व में शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह अभियान चलाया गया है। पटना सिटी के अगमकुआं थाने इलाके के नीमतल मोहल्ले के पास से चोरों ने एक मोटरसाइकिल की चोरी कर ली है। हम बता दें आपको कि इस दरमियान मोटरसाइकिल चोर के साथ एक महिला भी साथ में थी। इस वारदात की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित रावड़ी आवास पर महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जनमत का अपहरण हुआ है। आगे उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। जनमत का अपहरण हुआ है, ये बिहार में पहला बार हुआ है जब जीते हुए लोगों को शाम को चुनाव हराया जाता है। सभी बीजेपी के आला नेता सीएम हाउस में बैठ के 3-4 बजे के बाद यही काम किए हैं, नहीं तो आज महागठबंधन की सरकार होगी। जनमत का अपहरण हुआ है, ये बिहार में पहला बार हुआ है जब जीते हुए लोगों को शाम को चुनाव हराया जाता है। सभी बीजेपी के आला नेता सीएम हाउस में बैठ के 3-4 बजे के बाद यही। खबर है ईस्ट चंपारण के कोरबा से, जहां NH-28 कोरबा कदम चौक के समीप दूध के टैंकर में एक लाश मिली है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से यह टैंकर सड़क के किनारे लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह ग्रामीणों ने टैंकर से दुर्गंध आने के बाद छानबीन की, जहां टैंकर के अंदर एक व्यक्ति की लाश को देखा गया। फिलहाल पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की तहकीकात करने में पुलिस जुट चुकी है। खबर है कटिहार से, जहाँ बड़ारी थाना के ASI पुलिस अधिकारी ने थाना इलाके के एक दिव्यांग पुरुष के पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए हैं। हाथ लगाए बैठे ग्रामीणों ने पुलिस को पकड़कर हाथ पैर बांध दिया है। इस संबंध में विशेष तौर पर बता दें कि मामले को लेकर कटिहार SP घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, मामले में कड़ी कार्रवाई करने की आश्वासन दी है। उधर बाढ़ बाजार के एक ज्वेलर्स के दुकान में आभूषण चोरी करने का वीडियो सामने आया है। बता दें कि आभूषण दुकान में एक शख्स गमछे में लपेटकर आभूषण चोरी कर चलते बने। इन्हीं खबरों के साथ मैं विदा लेती हूँ, नमस्कार।